नमस्कार, मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं 8 इंडिया न्यूज। आबकारी की मिलीभगत से ग्राम संजीत में खुल रही शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों का विरोध। मंदसौर के संजीत ग्राम में रहवासियों की पानी भरने का एकमात्र कुआ है, जिसके पास हाल ही में खुल रही शराब दुकानों को लेकर रहवासियों द्वारा कई ज्ञापन मंत्रियों को लेकर उच्च अधिकारी को देने के बाद भी नहीं सुनने पर आज ग्रामीणों द्वारा कांग्रेस नेताओं के साथ आबकारी विभाग पहुंचे। साथ ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि शराब दुकानदार द्वारा रहवासियों को धमकियां दी जा रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं द्वारा मौजूदा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। देखिए, संजीत क्षेत्र में एक दुकान लगाने का मामला सामने आया, शराब दुकान रहवासी क्षेत्र में, जबकि नियम में कहता है कि देवालय के आसपास जो सार्वजनिक उपक्रम है, जिनका पूरा गांव यूज़ करता है, उपयोग करता है, उसके आसपास, विद्यालयों के आसपास, मंदिर मस्जिद के आसपास, कहीं भी धर्म ऐसे स्थान है वहाँ उसके आसपास नहीं लगानी जानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई बात अगर सामने आई है तो उसका निश्चित रूप से विरोध पूरी कांग्रेस पार्टी करती है। आज हमारे कांग्रेस नेता श्यामला जोगचंद जी के साथ हम लोग यहाँ आए हैं और सभी क्षेत्र के ग्रामीण जन भी आए हैं और इस बात का विरोध करने, और साथ ही चूँकि हमारी SDO से बात हुई आबकारी से, तो उन्होंने कहा है कि इस बारे में संज्ञान लेंगे वो। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, नियमों के विरुद्ध है, शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आबकारी मंत्री जगदीश जेड़ा की विधानसभा का क्षेत्र का मामला है, जबकि पिछले साल ही जहरीली शराब के मामले में कई लोग मरे, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई बहुत ज़्यादा, और जो लोग मरे उनके परिवार को जो आर्थिक मुआवजा देने की बात थी वो भी सरकार ने पूरी नहीं, पूरी तरह दोगलाई की बात करते हैं जगदीश देवड़ा जी, चूँकि आबकारी मंत्री भी हैं और उनके क्षेत्र में इस तरीके से शराब ठेकेदारों को अगर आश्रय दिया जाएगा तो ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, आंदोलन किया जाएगा बिल्कुल तरीके से। संजीत में 16 क्वार्टर में ज़बरदस्ती आबकारी विभाग के लोग वहाँ पर शराब की दुकान खुलवा रहे हैं, उसको लेकर के संजीत के सारे हमारे यहाँ के जो महिलाएं, बच्चे, हमारी बहनें और सब यहाँ पर आए हुए हैं और इन सब की मांग है कि शराब की दुकान अन्यत्र जो अभी जहाँ खोली जा रही है यहाँ नहीं खोली जाए और दूसरी जगह कहीं लगाई जाए। अगर उन्होंने लगाने की कोशिश करी तो सारे संजीत के लोग इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आई है तब तब उन्होंने जो है ये जो शराब को सस्ती करिए, शराब की दुकानें खुलवाइए, और इसके साथ साथ दुकानों के साथ जो हमारे देवालय, शिवालय वो सब बंद कराए, विद्यालय बंद कराए, लेकिन जो मदिरालय की जो खुलवाई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत में संजीत में वहाँ पर जो वो शराब की दुकान है वो बंद की जाए।